शाजियन गाइस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9 की मैथ्स 1 टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी चैप्टर में हम सीखेंगे व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और उससे हमको समझेगा लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपकी 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स 1 टेक्स्ट बुक के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है। तो 6 चैप्टर्स में से ये 2 चैप्टर्स यही है, लीनियर इक्वेशंस एंड सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो लीनियर क्वाड्रेटिक टर्म्स हमको यहीं पे पॉलिनोमियल्स में आने वाला है। तो ये चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिस है। तो यहाँ देखिए, हमको सबसे पहले यहाँ पे जो है 3 इक्वेशंस दिए, एक्सप्रेशंस दिए गए, इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये जो लिखा हुआ ये सब क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे जो स्टैंडर्ड बेसिक टर्म्स है। तो हम बेसिक कंसेप्ट से पूरा क्लियर करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये सब देखें, हम थोड़ा बेसिक डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर। जब कोई नंबर होता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा है 5x+2, तो यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है। और एक टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो चीजें होती है। वेरिएबल क्या होता है, जो भी ये लेटर लिखा है, जैसे यहाँ x लिखा है, तो वेरिएबल इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन क्वांटिटी। तो ये x है या a है या c है, तो ये जो लेटर्स होते हैं, स्मॉल में लेटर्स लिखते हैं, ये वेरिएबल है ना। तो ये वेरिएबल कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 3x लिखा, मैंने 3x लिखा, समझो एग्जांपल देती हूँ कि x वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, हमको अभी उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, अननोन क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने आपको, जैसे समझो आपके पेरेंट ने आपको प्रोमिस किया कि आपको जितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, उसका 3 times करके आपको वो प्राइस देंगे, पैसे देंगे उतने ऐसे। तो अगर समझो आपको 100 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स मिले, तो आपको 60 × 3 ₹180 दिए जाएंगे। अगर आपको 80 मार्क्स मिले, तो 80 × 3 ₹240 दिए जाएंगे। तो जैसा आपका, तो x क्या है, अभी अननोन है, आपने अभी एग्जाम दिया नहीं है, मार्क्स आए नहीं है, तो तब तक ये x अननोन है। तो एक अननोन क्वांटिटी जो है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन में एक अननोन क्वांटिटी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो ये जो है, इसको अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल इज अ लेटर। तो ये x जो होता है, ABC होता है, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, लेकिन जब तक नहीं पता, इसलिए हम इसको x लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 3x-7, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, लेकिन 7 नंबर तो हमको पता है ना। तो ये प्लस माइनस से जो ये सेपरेट होते हैं, इनको अलग अलग टर्म्स बोलते हैं। तो ये जो टर्म है, ये तो वैल्यू है इसकी, 7 नंबर है, तो इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं और इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये 3 जो आ गया, इसके लिए और एक नाम है। तो अभी तक हमने कांस्टेंट समझा क्या होता है, वेरिएबल समझा क्या होता है, अब तीसरा चीज है ये किसको क्या बोलते हैं, जो x के आगे, मतलब x को इतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे a है तो a को 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या c को 4 बार। तो ये जो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो ये और एक टर्म है, ये देखिए, नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। तो इसको कॉन्स्टेंट नहीं कहते, कॉन्स्टेंट मतलब ये अलग इंडिपेंडेंट टर्म। तो यहाँ पे प्लस माइनस से सेपरेट होते हुए जो टर्म्स होते हैं, उसको टर्म्स बोलते हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे के चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे सही से। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर से एक बार देखते हैं, जैसे 5x+2 है, तो जितना भी, मतलब आपको जितने मार्क्स मिले x समझो मार्क्स, तो उसके 5 times करके add 2 होगा, तो add 2 होगा, 2 कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड वैल्यू है वो कांस्टेंट है। x जो है, x अलग अलग वैल्यू ले सकता है, अगर x 2 होगा तो 5x 10 हो जाएगा, 2 5 10, 3 होगा x तो 3 5 15 हो जाएगा 5x, है ना। तो x की वैल्यू जैसे चेंज होगी, वैसे 5x की वैल्यू बनेगी। तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और जो आगे 5 है, ये कोएफिशिएंट है। तो ये कांस्टेंट का कंसेप्ट, वेरिएबल का कंसेप्ट, और तीसरा ये यहाँ पे भी हमको दिखता है, ABC वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और कोएफिशिएंट, और टर्म्स भी जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, वो टर्म्स होते हैं, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ऐसा, तो यहाँ 2 टर्म्स है। तो यही सब समझेंगे तो हमको आगे भी समझेगा। ये देखिए, यहाँ पे भी x³ भी हो सकता है, x² हो सकता है, जो भी है x, लेकिन वेरिएबल है हमारा, और उसके आगे जो भी लिखा है, ये कोएफिशिएंट है ना, और ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट है, ये जो खाली नंबर है। तो अब ये सब मिलके ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, इट कुड कंटेन सम कांस्टेंट्स एंड सम वेरिएबल्स, जैसा कि ये 2x+3y-+6,
कुछ भी हम लिख सकते हैं, फाइन ए माइनस बी, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो हमने जब चैप्टर शुरू किया तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म आता था, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक टर्म होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है, इक्वेशन में इक्वल टू साइन आ जाए, अगर इक्वल टू साइन करके कुछ लिखा है तो इक्वेशन है, अगर इक्वल टू जीरो भी लिखा है तो वो इक्वेशन है, अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो वो एक्सप्रेशन है। सो दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज अल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हम जब पढ़ रहे हम स्टडी कर रहे हैं वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए है ना, ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, दोनों मिलके इक्वल टू साइन आ गए तो पूरा इक्वेशन बन गया। सेवन कॉन्स्टेंट है, रूट टू कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और फाइव कोएफिशिएंट। ठीक है, और तीन टर्म्स है, एक ये टर्म, एक दूसरा टर्म, और इक्वल टू के बाद भी जो टर्म होता है वो और एक टर्म होता है, ये तीसरा टर्म। फिर व्हाट इज पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो अब ये वेरिएबल एक्स होता है लेकिन एक्स के ऊपर एक छोटा नंबर लिखा होता है, मतलब जैसे एक्स रेस टू 10, तो ये जो रेस टू 10 या एक्स पावर 10 जो होता है, ये जो नंबर है इसको पावर ऑफ अ वेरिएबल कहते हैं ना। तो ये पावर जो है मतलब क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर लिखा होता है मतलब एक्स इंटू एक्स, तो एक्स रेस टू 10 मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसा 10 बार हमको करना है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको पावर ऑफ अ वेरिएबल कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स में, पावर ऑफ अ वेरिएबल हमको क्लियरली समझ में आना चाहिए। फिर बाकी जो बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो पता होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर्स मींस ऑल नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम वन एंड प्लस वन करके, सिर्फ ये वन के बाद टू के बाद थ्री, ऐसा जो हम बेसिक जो केजी से सीखते हैं लोअर क्लासेस से, वन टू थ्री फोर टिल इट गोज ऑन, तो दिस इज नेचुरल नंबर्स। अगर यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे तो होल नंबर्स हो जाएगा, है ना। तो ये देखो ये होल नंबर्स हो गए, जीरो से स्टार्ट होता है, ये नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होता है, बीच के नंबर्स कुछ नहीं हम कंसिडर करते, सिर्फ पूरे होल नंबर्स में से पूरे नंबर्स लेने, वन टू थ्री ऐसे। तीसरा होता है कंसेप्ट इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स मतलब जीरो से पहले भी नेगेटिव नंबर्स, तो जीरो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स सब मिला के हो गए इंटीजर्स, मतलब ये इनफाइनाइट लाइन है, जितना आगे तक काउंट कर सकते हैं काउंट करो, आगे भी और पीछे भी, तो दीज आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, फिर आता है कंसेप्ट ऑफ, ये भी इंटीजर्स बताया गया, ये जीरो है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना, वो स्पेशल केस है। फिर है कंसेप्ट रैशनल नंबर्स का, तो रैशनल नंबर्स मतलब जो फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं या डेसिमल पॉइंट में नंबर्स होते हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स जो एक्चुअली नो रिकरिंग में हो या तो खत्म हो जाए, जैसे 1/4 का हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, उसके आगे और डिवीजन नहीं होता, पूरा हो गया डिवीजन, तो या तो डिवीजन पूरा हो जाए या तो रिकरिंग नंबर होना चाहिए, अगर रिपीट होते जा रहा है तो रिकरिंगली रिपीट हो रहा है नंबर कुछ, या तो 6 रिपीट हो रहा है या 1515 रिपीट हो रहा है, ऐसे कुछ भी, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज जीरो तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो बिकम्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है इन द फ्रैक्शन फॉर्म और इन डेसिमल फॉर्म, है ना, तो ये तो रैशनल नंबर है। इवन 5 जो अपना नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल है, क्योंकि 5 को भी हम 5/1 करके लिख सकते हैं, तो ऑल दीज आर मतलब नंबर्स इंक्लूडिंग द फ्रैक्शंस, जो पूरा 1 और 2 के बीच में इतने सारे फ्रैक्शंस होंगे ना, ये पूरे फ्रैक्शंस भी इंक्लूडेड है, तो ये रैशनल नंबर्स है। और उसके बीच में जो वो नंबर्स जहाँ पे रिकरिंग रिपीट नहीं हो रहा है या डिवाइड होते ही जा रहा है, जैसे रूट टू हम डिवाइड करते जाएंगे तो होते ही जाएगा, रूट थ्री का करेंगे तो 3.14 करके होते ही जाएगा, और नंबर्स आते ही जाएंगे, कोई उसमें पैटर्न भी नहीं होगा कि रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नॉन रिकरिंग जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं, तो थोड़े नंबर्स है जो इरेशनल नंबर्स भी, ऐसे तो रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स पूरा मिला के सारे नंबर्स हो गए ऑन द नंबर लाइन, तो सबको रियल नंबर्स बोलते हैं, पूरा मिला लिया तो रियल नंबर्स हो गए, तो ये कंसेप्ट है। सो नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स। फिर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हमको तो हमारा अभी हम आगे कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें पॉलिनोमियल्स क्या होता है समझेगा। तो इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स देन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है समझ में आ गया, पावर क्या होता है वेरिएबल का, वेरिएबल क्या होता है सब समझ में आ गया, होल नंबर्स क्या होते हैं वो भी पता चल गया, 0, 1, 2, 3 ये
तो ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी इसके देखेंगे तो हमको समझेगा, जैसे कि ये है 5xy² माइनस 3x प्लस 5y³ माइनस 3। तो यहाँ ये जो वेरिएबल्स है इनके पावर्स क्या है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, कुछ नहीं लिखा, मतलब x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, ये 3 है, तो ये सारे होल नंबर्स है ना, तो ये यहाँ पे भी 1 है। तो अगर सारे टर्म्स में जो पावर्स है वेरिएबल्स के वो अगर होल नंबर्स है तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये होल नंबर है, माइनस 2 इंटीजर है तो होल नंबर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में भी आता है वन अपॉन एक्स मीन्स एक्स टू द पावर माइनस 1, तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमारे टेक्स्ट पे जाते हैं, अब हमें समझेगा ये क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे है, पी क्यू माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस पी। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है पी, और पी के पावर्स क्या क्या है, यहाँ पे तीन टर्म्स है ना, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डिवाइडेड बाय, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऐसा। तो ये जो है यहाँ पे पावर क्या है 3, इधर पावर पी का है 2 और इधर पावर 1, 3, 2, 1, तीनों होल नंबर्स है, तो इसीलिए ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी देखिए एम स्क्वायर प्लस 2n³ माइनस √3m^5। √3 तो कोएफिशिएंट है, इसमें रूट हो के 1/2 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो कोएफिशिएंट है। हमको पावर देखना है वेरिएबल का, तो यहाँ पे वेरिएबल m है, ये भी m ही होना चाहिए, n भी है तो चलेगा। तो ये यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है 2, 3 और 5, तीनों होल नंबर्स है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। 6 एक कांस्टेंट है, 6 के आगे तो वेरिएबल भी नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको स्पेशल केस बोलते हैं, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, जैसे ये एक्सप्रेशन में पावर्स p के क्या है 3, 2, 1, तो सारे होल नंबर्स है तो ये पॉलिनोमियल है। 6 के आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाय x^0 बोल सकते हैं, क्योंकि x^0 मींस 1, तो 6 मींस 6 × 1, सो 6 × x^0, ये याद रखना, ये एक जगह पे लिख लो x^0 = 1, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1, इट इज नॉट इक्वल टू 0, x^0 = 1। तो यहाँ पे मतलब पावर क्या है वेरिएबल का, पावर 0 है, एक्स का पावर 0 है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका पावर 0 होता है, ठीक है। तो इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स देन दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है पॉलिनोमियल का, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी कंसेप्ट समझ लिया हमने, खाली नंबर होगा तो वो भी पॉलिनोमियल है और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका पावर 0 है वहां पे, है ना। अगर खाली पी लिखा होता तो पावर 1 होता, अगर खाली एक्स लिखा होता तो पावर 1 होता, ये 6x नहीं है, 6 है, तो x 6x होता तो पावर 1 होता, 6 × x^0 है तो पावर 0 है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और 0 इज आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब और दो एग्जांपल्स दिए यहाँ पे देखिए, √y + 5 1/y - 3, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, हमको डेफिनेशन भी अब बता दिया, तो ये पॉलिनोमियल्स है क्या, तो इनका पावर देखना है, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल है y, y का पावर क्या है यहाँ पे रूट है, रूट मतलब 1/2, ये याद रखना है, रूट वाई मीन्स वाई रेस टू 1/2, ये कंसेप्ट जो है ये पता होना चाहिए। तो अगर y का पावर 1/2 है तो ये क्या होल नंबर है, नहीं, ये तो फ्रैक्शन हो गया, रैशनल नंबर है, तो ये इज, दिस इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर √y + 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली 1/y - 3, यहाँ y का पावर क्या है, y का पावर 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो एक्चुअली 1/y इज y रेस टू माइनस 1, अगर 1/y² होता तो y रेस टू माइनस 2 मतलब होता है इसका, ना 1/2 होता है तो उसको माइनस साइन लेके ऊपर लेना होता है, तो ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए। तो ये 1/y - 3 मतलब y रेस टू माइनस 1 माइनस 3, तो ये y माइनस 1 पावर है, माइनस 1 इज नॉट अ होल नंबर, इट्स एन इंटीजर, तो माइनस 1 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये 1/y - 3 इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये हमें पता चल गया। दो सवाल है यहाँ पे, इज एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल, नहीं, ये देखा हमने, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है, तो नो, पर एवरी पॉलिनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, स्पेशल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर यस आएगा। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने टर्म्स का कंसेप्ट ऑलरेडी समझ लिया, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इसका पावर 1 है, x का पावर 1 है,
तो ये यहाँ पे एक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो एक्स रेस टू जीरो होता है, मतलब पावर जीरो है वेरिएबल का। तो ये 2x खाली है, ये फाइ खाली है, एक ही टर्म है, तो ये जो है ओनली वन टर्म होता है, तो इसको मोनोमियल बोलते हैं। मोनो मतलब वन, बाय मतलब दो, ट्राई मीन्स थ्री। तो पॉलिनोमियल्स के तीन टाइप्स क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल आप देख सकते हैं यहाँ दो टर्म्स है ना, ये कॉमा करके दूसरा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखा है, दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल होगा, है ना, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो ये भी एक दो तीन टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ये भी एक दो तीन टर्म्स है, एक्स क्यूब फिर माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, तीन टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो हम काउंट करके बोल सकते हैं मोनो, बाय और ट्राई, है ना। तो ये कंसेप्ट। और यहाँ पे एक और एक लिखा है कि हमको अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है जैसे, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स या क्यू एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। वेरिएबल को भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एम दे सकते हैं तो क्यू एम, या वाई में वेरिएबल है तो कुछ भी हम बोल सकते हैं उसको, पी वाई, पी आर वाई, क्यू वाई, ऐसे करके लिखते हैं। मतलब पॉलिनोमियल विथ दिस वेरिएबल, और फिर जो है इक्वल टू करके हम वो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो एक लिखने का तरीका है कि आगे की प्रैक्टिस सेट में काम आएगा, प्रैक्टिस सेट 3.1 में नहीं है, 3.3 में एक्चुअली है। तो ये कंसेप्ट यहाँ लिखा है, ये हमको समझना है, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका, इक्वल टू पॉलिनोमियल जो दिया है वो लिखना है, सिर्फ ये लिखने का तरीका है। पी ब्रैकेट एक्स, ब्रैकेट एक्स मतलब ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल। फिर आता है अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब खाली एक्स वेरिएबल है। आगे है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, मतलब एक्स भी है, वाई भी है, या एम भी है, एन भी है एक साथ, है ना। तो इसको पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो इसका डिग्री क्या होगा, हर एक वेरिएबल का पावर देखना है। तो जो सबसे बड़ा पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द एंटायर पॉलिनोमियल। तो जैसे यहाँ दिया है 2x raise to 7 minus 5x plus 9, तो यहाँ पावर क्या है वेरिएबल्स के, x के 7 और 1, और ये कांस्टेंट है, मतलब पावर 0 है। तो 7, 1 और 0, सबसे बड़ा पावर 7 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। तो वही हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने इसका देखा, अगर यहाँ पे मैंने बोला x plus 5 है, तो x plus 5 का ये डिग्री क्या है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री है 1। पूरे पॉलिनोमियल मोनोमियल एक्चुअली, एक ही वेरिएबल है 7x, तो 7x का पावर क्या है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल का भी डिग्री 1 है। यहाँ पे सिर्फ 7 है, तो यहाँ x रेस टू 0 कहते हैं ना, तो ये 0 पावर है, तो ये इसका डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। सो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, और 0 है, 0 इंटू x रेस टू 0 नहीं लिखते हैं, है ना। तो इसकी डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये एक स्टेटमेंट है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या होगा, 0। और सिर्फ x है तो उसका तो डिग्री 1 होगा ही ना, 7x होगा, तो अगर खाली 7 होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका डिग्री 0 है। लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए, नंबर 7 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कुछ भी और नंबर हो, 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है, मतलब उसकी कोई डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, अगर एक ही वेरिएबल है तो हर एक टर्म का पावर देखा ना हमने, हर एक टर्म में जहाँ पे x, उसका पावर क्या है, 7, 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0, तो इससे x के पावर 7, 1 और 0 है। वैसे यहाँ पे भी हर एक टर्म का पावर हमें देखना है, कि टर्म का पावर क्या है, तो हाइएस्ट पावर इज द डिग्री, है ना, हाइएस्ट पावर इज द डिग्री। तो यहाँ पे एक्चुअली मोर देन वन वेरिएबल है, तो एक टर्म में मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, टर्म कब आते हैं, जब प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होता है ना, तो ये m और n दोनों मल्टीप्लीकेशन है, दोनों वेरिएबल्स है, तो मोर देन वन वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो इनकी पावर, इनका हाईएस्ट टर्म का पावर कैसे बताएंगे हम, ये दोनों के पावर को एड करके, जो मल्टीप्लीकेशन में अगर वेरिएबल है तो उनके पावर्स एड होते है ना। तो इसका पावर कितना है, 3 + 6 9, है ना, और इसका पावर कितना है, 2 + 3 5, और इसका 1 + 1 2। तो यहाँ पे जो पावर है क्या क्या है, 9, 5 और 2, है ना, 9, 5 और 2, तो इनमें से हाईएस्ट पावर 9 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 9, है ना, वो लिखा है यहाँ पे, देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। तो आपको ऐड करना है पावर्स। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल, अ बाइनोमियल एंड अ ट्राइनोमियल हैविंग वेरिएबल एक्स एंड डिग्री 5। तो वेरिएबल एक्स होना चाहिए उसमें, और मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, उसके आगे पीछे प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए,
और एक्स की डिग्री 5 होनी चाहिए। एक्स का मतलब एक पावर तो 5x का होना चाहिए, फिर उससे कम के पावर हो ना हो, लेकिन हाईएस्ट पावर शुड बी 5 बिकॉज दैट इज अ डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, है ना। तो ये तो मोनोमियल हम लिख सकते हैं x रेस टू 5, उसके आगे कोई भी नंबर लगा सकते हैं। हमको मोनोमियल चाहिए मतलब एक टर्म तो चाहिए, तो x रेस टू 5 उसके आगे कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 7 लगाया। बाइनोमियल मतलब x रेस टू 5 तो चाहिए ही, बाइनोमियल और एक टर्म चाहिए, तो प्लस करके या माइनस करके तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, या प्लस एक्स स्क्वायर 5, x रेस टू 5 से छोटा कुछ भी लिख सकते हो, प्लस x रेस टू 4 भी लिख सकते हो, इट्स ओपन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे बन सकते हैं, लेकिन x रेस टू 5 होना चाहिए और दो टर्म्स होने चाहिए। ट्राइनोमियल मतलब अगेन तीन टर्म्स होने चाहिए, मैक्सिमम पावर x रेस टू 5 होना चाहिए। x रेस टू 5 के आगे हम कोई भी नंबर भी लगा सकते हैं, 1, 2, 3, लेकिन एक ध्यान रखना है कि हम तीन टर्म्स बनाएंगे, तीन टर्म्स में x के पावर अलग अलग होने चाहिए, तो ही वो अलग अलग रहेंगे ना। अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब करेंगे तो एक ही टर्म हो जाएगा पूरा ऐड करके, 10x क्यूब प्लस 5x क्यूब बिकम 15x क्यूब, तो ये तो बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल नहीं हुआ। तो अगर हम तीन टर्म बना रहे हैं तो x के पावर अलग होने चाहिए हर एक टर्म में। फिर एक्टिविटी 2 है, गिव एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल इन टू वेरिएबल्स हैविंग डिग्री 5। तो हमको अभी बाइनोमियल बनाना है दो वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल x था, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हम x y ले सकते हैं, mn ले सकते हैं, और डिग्री 5 होनी चाहिए, मतलब दोनों वेरिएबल्स का मिला के डिग्री 5 होनी चाहिए, मतलब 4+1, 3+2 ऐसा कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब x रेस टू 4 तो y 1 है ना, x रेस टू 4 y, या y x रेस टू 4, या y रेस टू 4 x ऐसा, या तो y क्यूब x स्क्वायर ऐसा, 3+2 5 ऐसा करके कुछ भी हमको बनाना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है दो वेरिएबल्स डिग्री 5 लेनी है, बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब दो टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, और एक टर्म होना चाहिए और इसका पावर 5 से छोटा होना चाहिए, 5 है ना, हर एक का पावर अलग होना चाहिए, तो 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है दूसरे टर्म का पावर ऐसे। तो ये हो गया बाइनोमियल इन टू वेरिएबल्स विथ डिग्री 5। ठीक है, अब हमने मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये तीन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है बेस्ड ऑन डिग्री। अभी डिग्री की बात हमने की ना कि डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, तो वैसा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होता है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 को क्यूबिक। तो ये तीन नए टर्म्स है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा लीनियर इक्वेशंस इज द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10 इन मैथ्स 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज सेकंड चैप्टर इन क्लास 10 इन मैथ्स 1, और क्लास 10 में मैथ्स 1 में 6 चैप्टर्स ही है, 6 में से ये दो पूरे चैप्टर्स है इस पे। तो ये टर्म का मतलब समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 में पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया 3x-y, x के पावर क्या है 1, मैक्स हाईएस्ट पावर इज 1, x से बड़ा नंबर नहीं है कुछ, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा तो डिग्री 2 हो जाएगी ना, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और डिग्री 3 भी होगा उधर तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इज 1, क्या ये बाइनोमियल है, 3x-1 इज बाइनोमियल, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है खाली y, लेकिन y का पावर 1 है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि उसकी डिग्री तो 0 होती है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 कांस्टेंट की, तो 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड है और बाकी सबकी डिग्री 0 होती है, खाली x एक ही वेरिएबल ऐसे होगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक में ऐसे आएगा, है ना, स्क्वायर में हाईएस्ट पावर शुड बी स्क्वायर। तो ये ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्यूबिक है, ये देखो यहाँ 4 टर्म्स है, तो इसको हम कुछ टर्म तो नहीं देते क्योंकि हमने खाली मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल किया है, तो उसमें हम इसको नहीं बिठा सकते, लेकिन हाईएस्ट पावर इज 3 फॉर द वेरिएबल, सो दैट इज डिग्री 3 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ना, तो डिग्री इज 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर इज 3 ऐसे, है ना। तो ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, जहाँ पे b जो है 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, तो x का x वाला वेरिएबल ही नहीं होगा, हाँ, वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a अगेन 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो लीनियर बन जाएगा, तो दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, अगेन a शुड नॉट बी 0, a 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, बाकी 0 हो सकते हैं बीच में, लेकिन सबसे हाईएस्ट टर्म क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 तो होनी चाहिए ना, तो a इसलिए 0 नहीं होना चाहिए हर एक में ऐसे। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अब आता है तीन फॉर्म्स,
वेरिएबल्स को हम पॉलिनोमियल्स को तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म। ये तीन फॉर्म्स क्या होते हैं हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए ये टेबल दिया हुआ है हमको, तो हमने ऑलरेडी सीख लिया कोएफिशिएंट क्या होता है, तो हमको इसमें इजी होगा। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पॉलिनोमियल का, 3m^5 -7m + 5m² + 3 + 2। अब ये पॉलिनोमियल में हमको देखना है, पहले ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये पॉलिनोमियल है क्या, तो इसके लिए क्या देखना है, हर एक की पावर, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, मतलब पावर 0 है, सारे होल नंबर्स है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज 5 ना, 5, 3, 1 में से 5 हाईएस्ट पावर है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है। ठीक है, अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है, मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे पीछे करके ऑर्डर में लिखना है। अगर हाईएस्ट पावर 5 है तो 5 वाला टर्म यहाँ आया, m^5 वाला, अब m^4 वाला आना चाहिए, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर m^3 आना चाहिए, तो ये +5m^3 आगे जाएगा, और साइन साथ में लेने का, +5 है, ये कोएफिशिएंट क्या है, +5 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -7 है, हमने शुरू में ही देखा कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे नंबर लिखा होता है, 3, -7 और 5 कोएफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी x^0 का कोएफिशिएंट ही बोला गया, लेकिन है ये। तो यहाँ पे ये जो m^0 इन दिस केस, तो यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मतलब m³ को आगे ले लिया और 5m³ को और -7m को पीछे ले लिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स रीअरेंजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। फिर इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, जो जो मिसिंग है, कुछ कुछ मिसिंग हो सकता है, कुछ नहीं है तो अच्छा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही इंडेक्स फॉर्म होगा, जो जो मिसिंग है, जैसे m^4 कोई टर्म नहीं है, तो उसको हमको लिखना है, मतलब कैसे लिखेंगे, वो तो है ही नहीं, तो जीरो करके लिखेंगे, 0m^4, तो 3m^5 + 0m^4, फिर क्यूब वाला टर्म है वो सेम कॉपी किया, स्क्वायर वाला टर्म अगेन मिसिंग है, तो वो भी +0m² लिखा, फिर -7m + 2 सेम टू सेम कॉपी किया, तो ये हो गया इंडेक्स फॉर्म, कंसिडरिंग ऑल मिसिंग टर्म्स विद कोएफिशिएंट 0। और कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब हर एक का कोएफिशिएंट लिखना है, 3, 0, 5, 0, -7, 2, मतलब अगर डिग्री 5 होगी तो कोएफिशिएंट फॉर्म में ब्रैकेट में ये जो कॉमा कॉमा करके तो कोएफिशिएंट आएंगे, कितने आएंगे, 6, मतलब जो डिग्री है उससे +1, क्योंकि कांस्टेंट भी आएगा ना, तो ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो ये हमारे जो है कंसेप्ट है, इसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स 2 है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होती है। तो सॉल्व एग्जांपल पहला क्या है, राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, ऑर्डर में है। इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, x³ + 0x² है ना, +3x - 5, सिर्फ 0x² एक मिसिंग है, वो ऐड कर दिया है ना। अब चार ये कोएफिशिएंट्स लिखने, 1, 0, 3, -5 ब्रैकेट में कॉमा कॉमा करके कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। वैसे ये सेकंड एग्जांपल, ये कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है पॉलिनोमियल का, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अभी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है, मतलब हाईएस्ट पावर जो डिग्री होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, मतलब 2x^4 - 1x³, तो -1 मतलब x³ मतलब 1x³ ही ना, +0x² + 5x + 6 है ना? तो ये हमारा हो गया इंडेक्स फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो 0x² हटा देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ऐसे। तो ये दो सॉल्व एग्जांपल्स, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।